हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी हेल्प करती हैं। और आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें और इसे पूरा देखिए। ये टिप्स आपके लिए ज़रूर काम करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आपने इस साल नीट दी थी और आपके मार्क्स कम आए हैं, या आपको पता है कि आपका इस साल MBBS में एडमिशन नहीं हो पाएगा और आप सोच रहे हैं कि आप ड्रॉप ले या ना ले, तो मैं आपको कुछ टिप्स अभी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस साल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, अपने करियर का ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन कैसे लें, इसके लिए आपको अपने आप से कुछ ज़रूरी प्रश्न पूछने होंगे। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर सही से दे देते हैं तो आप ज़रूर ड्रॉप ले सकते हैं। तो मैं आपसे इन प्रश्नों को बताऊँगा कि ये प्रश्न क्या है। आप इन प्रश्नों को एक पेपर पर लिख लीजिए और फिर उसका उत्तर अपने दिमाग में मत सोचिए, उसे एक पेन से पेपर पर लिखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स की इच्छा से, या आपके किसी दोस्त ने आपको कहा है कि एक बार और ट्राई कर लो, देखा जाएगा, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, या फिर आपके कुछ रिलेटिव आपको कह रहे हैं। तो आप एक बार अपने आप से पूछिए कि ये ड्रॉप लेने का डिसीजन आपका है या किसी और का। अगर ये डिसीजन आपका नहीं है तो आप रुक जाइए, आपको ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले साल भी वही रिजल्ट आएगा जो इस साल आया है। तो आप यहीं पर रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो अपने आप से यह दूसरा प्रश्न पूछिए कि मैं क्यों इस साल अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया और मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया, और इनके कारणों को उस पेपर में लिखिए। जैसे मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, या फिर मैंने ज़्यादा मौज मस्ती में टाइम ख़राब कर दिया, या फिर मैं ऐसा सोचता रह गया कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं बाद में आराम से पढ़ लूँगा, और ऐसा करते करते फिर आपके पास समय ही नहीं बचा, या फिर आपने अपने दोस्तों के साथ घूमने में, मोबाइल फ़ोन चलाने में अपना सारा समय वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही कुछ अपने कारण को लिख लीजिए कि आप रेगुलर नहीं थे 6 से 8 घंटे की स्टडी में, या आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो ऐसे सभी कारणों को उस पेपर पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद अपने आप से तीसरा प्रश्न कीजिए कि जो आपने ये जो कारण लिखे हैं, क्या आप उन सभी को सुधार सकते हैं? आपने जो भी कारण लिखे हैं, अगर आप अगले साल ड्रॉप लेते हैं तो इन्हीं गलतियों को आप फिर से नहीं दोहराएंगे। क्या आप अपने आप से ऐसा दृढ़ निश्चय कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, कि आप इतने घंटे नहीं पढ़ सकते, या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप नहीं कर पाएंगे, तो आप यहीं पर ही छोड़ दीजिए। अपने दिल से पूछिए और दिमाग से पूछिए कि आप ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ी सी भी शंका है, तो आप ड्रॉप मत लीजिए, क्योंकि ये साल भी आपका खराब हो जाएगा। इसके बजाय आप कुछ और कर लीजिए, और भी दूसरे कोर्स मौजूद हैं जिससे आपका साल तो कम से कम खराब नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, मुझे तो ड्रॉप लेना है और मैं अगले साल नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा और मैं इन सब गलतियों को फिर से नहीं दोहराऊंगा, तो अपने आप से चौथा प्रश्न कीजिए कि मान लीजिए कि आपका अगले साल सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारण से, जैसे आप कुछ नंबरों से कम रह गए हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स रिलेटिव के ताने सुनने के लिए तैयार हैं? और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता नेक्स्ट ईयर भी,
तो आप परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पर ये बात अपने मन में पक्की कर लीजिए कि अगर मैं ट्राई करूँगा तो अपनी पूरी जान लगा दूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरा लक साथ में नहीं रहा और मैं कुछ नंबरों से रह गया तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। तो इस तरह आप अपने इन चार प्रश्नों का उत्तर अगर आप सही से जान लेते हैं तो आप ज़रूर ड्रॉप ले सकते हैं, या आपको इन चारों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में परेशानी महसूस हो रही है तो आप ड्रॉप मत लीजिए, क्योंकि इससे आपका साल खराब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वह प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।